चलिए आज घर पर ही बनाते हैं बच्चों का फेवरेट हॉट डॉग, बहुत ही हेल्दी तरीके से, बिना मीट यूज किए हुए, जिसका टेस्ट बच्चों से लेकर बड़ों को बहुत ही पसंद आने वाला है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है पार्टी के लिए। तो चलिए हॉट डॉग बनाने स्टार्ट करते हैं। तो पैन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। पैन के गर्म होते ही मैंने डाला है 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। इसके अलावा बारीक कटा हुआ मिर्च, ये टोटली ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा चाहिए या फिर बिल्कुल भी तीखा नहीं चाहिए अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी हमें कच्चापन दूर होने तक भून लेना है। उसके बाद बाकी के वेजिटेबल्स हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला हुआ है बारीक कटा हुआ गाजर, बारीक कटा हुआ बीन्स। गाजर और बीन्स को हमें सॉफ्ट होने तक कुक कर लेना है और इसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, जिससे ये जल्दी कुक हो जाए। ढक के भी मैंने इसे पका दिया है। तो अब देख सकते हैं गाजर और बीन्स अच्छे से भून चुका है, सॉफ्ट भी हो चुका है थोड़ा सा। तब हम बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर। इन सारे मसालों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे डाल देना है, जब वो हल्के से मसाले भून जाए कुछ सेकंड के लिए, तब हम डाल देंगे उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू। साथ में हम यहाँ पे डाल देंगे बीन्स। बीन्स की जगह पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बीन्स यूज कर रही हूँ। और इस बीन्स को मैंने लिया हुआ था 1 कप, जिसे ओवरनाइट सोक कर दिया था, थोड़े से पानी के साथ में नमक डाल के उबाल दिया था। उबालने के बाद इसके पानी को हमें अलग कर लेना है और इसे बिना पानी का यूज किए हुए मिक्सी में पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसे हमें मिला देना है इन सारे मसालों के साथ में और इसे कुछ देर के लिए कुक कर लेना है, जब तक कि इसका ड्राइनेस कम हो जाए। इसके अलावा हम यहाँ पे डाल देते हैं लेमन जूस, इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। हरी धनिया डालना है वो भी डाल सकते हैं। सारे मसालों को आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा कि कुछ स्पाइस आपको और तो नहीं ऐड करना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ चुका है, मॉइस्चर कम हो चुका है। तब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए तब तक हम बना लेते हैं बहुत ही क्रीमी सा सॉस। इसके लिए मैंने लिया हुआ है 2 बड़ा चम्मच मेयोनीज। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा हॉट एंड सॉर केचप, इसके अलावा थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस। इस सॉस का भी टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मस्टर्ड का टेस्ट अच्छा नहीं लगता उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर इसी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा सॉस बनकर रेडी हो गया है और ये हमारा जो मिक्सचर था हॉट डॉग वाला वो भी ठंडा हो चुका है। तब हाथों को हम ग्रीस कर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल लगा के। अब इसका थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए हमें इसका सिलेंड्रिकल शेप बनाना है। जो हॉट डॉग का साइज रहता है उतने ही साइज का हमें इसे शेप देना है। हाथों में शेप देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे प्लेट में शेप दे देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सा शेप बनके रेडी हो चुका है। तो बाकी के बचे हुए मिक्सचर से भी हम सारे हॉट डॉग बना लेते हैं और इसे हम कुछ देर के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं, लगभग 10 मिनट के लिए। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और तब तक हॉट डॉग बन को हम बटर के साथ में हल्का सा सेक लेते हैं। बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सेकना है, बस हल्का सा जो बटर का टेस्ट आ जाए और जो ये ठंडी सी हो जाती है ना हॉट डॉग, वो हल्के से वार्म भी हो जाए, बस उतना ही हमें करना है। जब सारे बन सिक जाए तब हमें सेम इसी पैन में डाल देना है थोड़ा सा तेल और इसमें हमें सेक लेना है हॉट डॉग, जो हमने फ्रीजर में सेट करने के लिए रखा था लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसा करने से जो हमारा हॉट डॉग है सेकने के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं टूटता। बेसिकली जो हमारा हॉट डॉग का शेप रहता है वो सिलेंड्रिकल शेप रहता है और जब इसे हम बनाते हैं तो वो सॉफ्ट भी रहता है। तो जब भी हम इसे सेकते हैं तो वो और भी सॉफ्ट हो जाती है और इसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए हमेशा इसे शेप देने के बाद फ्रीजर में 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दीजिए और उसके बाद ही इसे सेके, जिससे इसका शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। चारों तरफ से ये बहुत अच्छे से सेक चुकी है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और मूव होते हैं सारी चीजों को असेंबल करने के लिए। बन में हमें अच्छे से सॉस स्प्रेड कर लेना है जो हमने बनाया था। क्रंच के लिए यहाँ पे मैं लेटस और कुकम्बर यूज कर रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में जो हमने हॉट डॉग सेका था वो हमें रख देना है। तो लग रहा है ना बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी सा हॉट डॉग। और यहाँ पे इसे हेल्दी बनाने के लिए आप जो बन यूज कर रहे हैं उसे होल व्हीट वाला बन भी यूज कर सकते हैं, जिससे ये हेल्दी भी हो जाएगी टेस्टी भी हो जाएगी। बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर बच्चों के पार्टी के लिए या फिर पॉटलक के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी गाइस तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें,
साथ में मामा सुपर किड्स में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपीज, बींग ए पेरेंट्स, बच्चों के कुछ एक्टिविटीज और उनके हेल्थ के टिप्स जो हमें जाना जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।